हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की जो स्टोरी है ना, उसे पढ़ने के बाद मेरा भूतों को देखने का जो नज़रिया था, या उनके बारे में जो भी मैं सोचता था कि ये एक नेगेटिव एनर्जी है या ऐसा कुछ, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद ना वो सारा नज़रिया मेरा चेंज हो चुका है। अब ऐसा क्या है स्टोरी में, वो तो आपको स्टोरी सुनने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन मैं दावा कर सकता हूँ कि कई लोगों को भूत अच्छे लगने लगेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा नाम रोहन है, एंड आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरे अंकल की स्टोरी है। ये बात 17 नवंबर 1996 की है, जब मैं 21 साल का था। मैं अपने दादा दादी से मिलने के लिए जा रहा था हरनाई, जो कि कोकण एरिया में था। मैं मुंबई से दिन में लेट निकला था। मुंबई से लेट निकलने का रीज़न था मेरा काम, और मेरी कार का टायर बीच में पंचर हो गया था। मैं पहले ही लेट हो रहा था और इसकी वजह से और लेट हो गया। हरनाई एक फेमस बीच विलेज है कोकण में। वहाँ जाने के दो रास्ते हैं, एक वाया खेड़ दापोली एंड दूसरा वाया गुड़गांव से आम्बेत, आम्बेत से मंदनगढ़ एंड वहाँ से कैलशी और उसके बाद अंजरले। ये रास्ता थोड़ा छोटा है, लेकिन रात के समय उतना ही सुनसान और खाली लगता है। एज मैं ऑलरेडी लेट हो रहा था, तो मैंने ये रूट चूज़ किया क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता इधर। जब मैं मंदनगढ़ के पास पहुँचने वाला था, तब रात के करीब 11:30 बज रहे थे। मैंने देखा सामने एक लड़की खड़ी है और वो मेरी ओर हाथ हिला रही है। पास में एक छोटी हिल थी जिस पर एक ही घर था। रोड से थोड़ा दूर शायद ये लड़की वहीं से आई हो। इन सब थॉट्स के बीच में मैंने अपनी गाड़ी रोकी। वो लड़की 15-16 साल की थी। उसने विंडो पर नॉक किया और मैंने उसकी तरफ देखा, शीशा नीचे किया और बात की। वो काफी स्वीट सी दिख रही थी और उसके फेस पर कामनेस थी। उसने सलवार कमीज पहना हुआ था और ठंड से बचने के लिए उसने दुपट्टा अपने कानों के अराउंड रैप किया हुआ था। मैंने उसको पूछा, क्या बात है? उसने रिप्लाई किया, मुझे आंजरले जाना है अर्जेंटली, क्या आप ड्रॉप कर दोगे? मैं 7 घंटे से ड्राइव कर रहा था एंड बोर हो चुका था। ऑल्सो मैं ऑलरेडी लेट था एंड जहाँ इसको जाना था वो जगह रास्ते में ही थी। मैंने उसको राइड देने का डिसाइड किया। मुझे लगा चलो कोई तो है मैं जिससे बात कर सकता हूँ, रादर देन सिर्फ गाने सुनने से या ड्राइव करने से। वो पैसेंजर सीट पर बैठी और हम चल दिए। थोड़ी देर बाद हमने बात करनी स्टार्ट की। उसका नाम रत्ना था। वो अपने अंकल से मिलने आई थी। उसने लास्ट बस मिस कर दी थी, जो थी 10 बजे। अब उसको वापस पहुंचना था क्योंकि कल उसका स्कूल जाना इम्पोर्टेंट था। मैंने उसको पूछा कि उसके अंकल ने इतना लेट कैसे अलाउ कर दिया जाने को। मुझे ये सब अजीब लग रहा था कि ऐसे रात में एक बच्ची को कोई कैसे अलाउ कर सकता है कहीं जाने के लिए। उसने बताया कि वो जल्दी ही जा रही थी, बट उसके अंकल ने कहा डिनर के बाद वो ड्रॉप कर देंगे, तो बस से मत जाओ। बट उनको हाई फीवर हो गया और अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमने रास्ते में कई सारी बातें की। ऑलमोस्ट 1 घंटे में कैलशी क्रॉस करके हम आंजरले पहुँचने ही वाले थे कि उसने कार रोकने को कहा। मैंने रोक दी और अगल बगल में देखा तो राइट साइड में एक बीच था और लेफ्ट में एक स्मॉल हिल। आखिर ये लड़की कहाँ जाना चाह रही थी? वो कार से उतर गई। मैंने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ तो कुछ नहीं है। उसने कहा उसका घर इस हिल के पीछे ही है। मैंने पूछा कि क्या मैं उसके साथ वॉक करके उसको घर तक छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे ये सुनसान जगह बिल्कुल सेफ नहीं लग रही थी। उसने थोड़े गुस्से में रिप्लाई किया, बस यहीं तक, इससे आगे नहीं, मैं आपसे कभी और मिलूंगी, अभी जाओ यहाँ से। मैंने उसकी वॉइस में चेंज नोटिस किया। उसका फेस मोशनलेस था। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने मुझे बहुत कोल्ड लुक दे दिया और मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई आर्ग्यू नहीं करूँगा। मैं कार में वापस आ गया और चल दिया अपनी मंजिल की ओर। मैं 1/2 घंटे बाद अपने दादा दादी के घर पहुँच गया और वो दोनों मुझे देख कर शॉक्ड थे कि मैं इतना लेट कैसे हो गया। मैंने उनको सारी स्टोरी सुना दी एंड रत्ना का इनकाउंटर भी बताया जो मेरे साथ हुआ था। उन्होंने मुझे वार्न किया कि आगे से मैं ऐसे किसी के लिए भी कार ना रोकूं, एज वो जगह रात में सेफ नहीं है और हॉन्टेड है। मैंने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, एज मुझे इन पैरानॉर्मल चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं था, और मैं थोड़ी देर बाद सोने चला गया। मेरे कुछ दिन बड़े आराम से बीते एंड मैं कई सारे फोर्ट घूमा, जैसे सुवर्णदुर्ग फोर्ट, जंजीरा एंड सिंधु दुर्ग। मेरे दोस्तों ने कहा कि नेक्स्ट डे आंजरले बीच चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, और हम नेक्स्ट डे चले गए। काफ़ी देर फन करने के बाद हम रिलैक्स कर रहे थे और देखा पास वाली हिल से एक आदमी नीचे उतर रहा था। वो हमको देखकर सरप्राइज हो गया क्योंकि ये बीच हमेशा लोनली रहता था। मैंने उनको पूछा कि वो कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि बगल वाली हिल के पीछे उनका घर है। मुझे एकदम कुछ स्ट्राइक किया,
ये तो सेम लोकेशन थी जो रत्ना ने बताई थी। मैंने बातों बातों में ही उनकी फैमिली के बारे में पूछा। उन्होंने बताया उनके घर में उनकी वाइफ और दो बेटे हैं। मैंने कहा कोई बेटी नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ दो बेटे हैं। मैंने पूछा कि यहाँ कोई और घर है क्या आसपास में? तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ सिर्फ उनका घर है एंड बाकी सारी फील्ड्स हैं। फिर मैंने पूछा कि आप किसी रत्ना नाम की लड़की को जानते हो जो आसपास रहती हो? वो ये सुन के एकदम चौंक गए और मुझे वियर्ड लुक देने लगे। उन्होंने आंसर किया, रत्ना मेरी बेटी का नाम था जो 10 साल पहले गुजर चुकी है। ये सुन के मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं कुछ नहीं सोच पा रहा था, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। मैंने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस लड़की से 10 दिन पहले मैं मिला था वो थी ही नहीं। मैंने उनको बताया कि कुछ दिन पहले ही मैंने रत्ना को एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे ड्रॉप किया था। उन्होंने मुझे शक भरी निगाहों से घूरा। मैंने सोचा पूरी स्टोरी बता देता हूँ कि कैसे उसने कहा कि वो लेट हो गई और बस मिस हो गई, उसके अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी। वो ध्यान से मेरी बातें सुन रहे थे और फिर उन्होंने कहा रत्ना एग्जैक्टली मंदनगढ़ से आ रही थी जब उसकी डेथ हुई। उसका भाई बीमार था, वो लेट हो गई थी और लिफ्ट लेके वापस आ रही थी। थोड़ी ही दूर जाके उस लिफ्ट वाली कार का एक्सीडेंट हो गया क्योंकि ड्राइवर थका हुआ था और उसको नींद आ गई थी। रत्ना ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई। ड्राइवर को मल्टीपल इंजरीज आई पर वो बच गया। मैं अब भी कन्विंस नहीं था, हो सकता था कि ये कोई और रत्ना नाम की लड़की हो। मैं उन अंकल के साथ उनके घर गया जो कि हिल के दूसरी साइड था। घर में एंटर करते ही मैंने फ्रंट वॉल पे फोटो देखी जिस पर फूलों का हार चढ़ा हुआ था। ये रत्ना थी जिससे मैं कुछ दिन पहले मिला था। ये इन फार्मर अंकल की बेटी थी जो कि 10 साल पहले मर गई थी। जब मैं वहाँ खड़ा था तो मुझे एक थॉट स्ट्राइक हुआ, अगर उस दिन मैं उसके साथ चला जाता तो क्या होता। मैं उसको 17 नवंबर को मिला था, कोइंसिडेंटली सेम डेट जिस दिन उसकी 10 साल पहले डेथ हुई थी। मुझे डर लगने लगा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि क्या कभी कोई उससे ऐसे मिला है या किसी ने उसको देखा हो जैसे मैंने देखा, क्या पिछले 10 सालों में किसी ने उसकी प्रेजेंस फील नहीं करी। सभी ने कहा नहीं, ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। मैंने आसपास के गांव में भी पता किया, डिटेल्स निकलवाई, बट एक सिंगल पर्सन नहीं मिला जिसने रत्ना को देखा हो या लिफ्ट दी हो। मेरी वेकेशंस ख़त्म होने के बाद मैं घर चला गया उसी सेम रास्ते से। मैं रत्ना के थॉट्स अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था और बहुत कन्फ्यूजन थी दिमाग में। मुझे यकीन था कि मैं उस सेम रत्ना से मिला था, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? और उसने जो भी डिटेल्स उस दिन मुझे बताई वो एग्जैक्टली सेम थी जो उस फार्मर ने अपनी बेटी के बारे में बताई थी। कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी भी अनआंसर्ड थे, जैसे कि वो इन 10 सालों में कहाँ थी, ऐसा क्या हुआ जो वो अचानक वापस आ गई, सब लोगों में से वो मुझसे ही क्यों मिली, वो भी सेम डे एग्जैक्टली 10 साल बाद, उसने क्यों कहा था कि मैं दोबारा मिलूंगी, क्या मेरा फिर से इनकाउंटर लिखा है उसके साथ। ये सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मुझे एक चीज की श्योरिटी थी कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि ऐसा कुछ इंटेंशन होता तो वो उस एक घंटे में ही बहुत कुछ कर सकती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए रत्ना की मेमोरीज फेड होने लगी। मैंने नई जॉब ज्वाइन की जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिजी था अपने ऑफिस एंड एक्टिविटीज़ में। मैं कई सालों से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर भी नहीं जा पाया। हाँ, मैं उनसे बीच बीच में मिला ज़रूर हूँ जब भी उनका मुंबई आना होता था। मेरे लिए ऑफिस से छुट्टी लेना बेहद मुश्किल था, बट इस बार मैंने मैनेज कर ही लिया कि एक हफ्ते की छुट्टी मिल जाए एंड सोचा हरनाई चला जाऊं। जैसे ही मैंने हरनाई जाने का सोचा मुझे रत्ना की मेमोरीज याद आ गई। क्या मैं उससे इस बार फिर मिलूंगा? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, मैं उससे क्या पूछूंगा? मुझे डर नहीं था बल्कि मैं खुद चाह रहा था कि हम मिलें। मैं मुंबई से अपने आप लेट निकला कि मैं रात में मंदनगढ़ 11 बजे तक पहुंच जाऊं, बट इस बार उसका कोई नामो निशान नहीं था। मैंने 10 मिनट तक उस एग्जैक्ट स्पॉट पर वेट किया जहां मैंने उसको कुछ साल पहले लिफ्ट दी थी। मुझे लग रहा था कि वो दिख जाएगी बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अपने रास्ते आगे चला गया। एक और साल गुजर गया एंड मैं फिर से हरनाई जा रहा था क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया था जिसमें सारे फैमिली मेम्बर्स को बुलाया था। मेरे पेरेंट्स पहले ही वहां पहुंच चुके थे। मैं काम की वजह से मुंबई से लेट निकला। मैं इतना बिजी था कि मुझे रत्ना के थॉट एक भी बार नहीं आए। मैं मंदनगढ़ पहुंचा एग्जैक्ट सेम स्पॉट पर जहां 3 साल पहले मैंने रत्ना को देखा था और आज मैंने उसको फिर देखा।
इस बार वो कार रोकने के लिए हाथ नहीं मूव कर रही थी, बल्कि शांत खड़ी थी। वो जैसे ही मेरी कार के पास आई, मैंने डेट चेक की, 17 नवंबर। उसने डोर ओपन किया और शांति से बैठ गई बिना कुछ बोले। उसने सेम कपड़े पहने थे विद सेम काम एक्सप्रेशन जो 3 साल पहले थे। मुझे उससे डर नहीं लग रहा था, एज मुझे पता था कि वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहती। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तुमको मेरे बारे में सब पता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैंने बताया कि मैं बहुत सरप्राइज था जब सब पता चला, बट मैं श्योर हूँ कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगी। उसने अपना सर हिलाया बट वॉर्न किया कि सब उसके जैसे नहीं होते, कुछ स्पिरिट्स बहुत ही इवल होती हैं। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे। रत्ना से मिलने के बाद मेरा पैरानॉर्मल वर्ल्ड में इंटरेस्ट जाग गया था। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी मैंने और इस फील्ड के लोगों से मिला भी, और अब एक पैरानॉर्मल एंटिटी मेरे बगल में ही बैठी थी। ये सिचुएशन अपने आप में काफ़ी यूनिक थी। मैंने उससे क्वेश्चंस पूछे और उसने शांति से डिटेल में उनका आंसर किया। मैंने इस सब के बारे में बुक्स में पढ़ा था, पर मुझे उससे जानना था। उसने बताया कि डेथ के टाइम क्या होता है एंड उसके बाद क्या होता है। मैंने उससे पूछा कि वो इन 10 सालों में कहाँ थी एंड हमारी फर्स्ट मीटिंग के बाद कहाँ थी। उसने बताया वो भूवर लोक में थी, वो भी सूक्ष्म शरीर में जो कि हल्की हवा से बना था। मैंने पूछा कि उसने मेरे से ही क्यों बात की, तो उसने कहा कि मैं पहला इंसान हूँ जिससे वो सबकॉन्शियस लेवल पर बात कर पाई। हमारे बीच कोई और रिलेशन भी था जो वो नहीं बता रही थी। पैरानॉर्मल एंटिटी से कम्युनिकेट करना नॉर्मल बात नहीं थी एंड पैरानॉर्मल एंटिटीज हर किसी से बात नहीं कर सकती। मैंने उससे पूछा तुम मुझे लास्ट ईयर क्यों नहीं मिली? उसने बताया कि उस दिन वो ह्यूमन फॉर्म नहीं ले पाई थी, जबकि उसने मुझे वेट करते हुए देखा था। मैंने पूछा वो कितनी देर तक ह्यूमन फॉर्म में रह सकती है? उसने बोला मेरी डेथ जल्दी हो गई थी और मेरे कई साल बचे थे यहाँ पे, तो मुझे यहाँ समय बिताना पड़ेगा, एज मैं एक एक्सीडेंट में मर गई थी और मेरा समय नहीं आया था। अपना समय पूरा करके ही मैं अगली स्टेज पर जा सकती हूँ जो कि है स्वर्गलोक, और मे भी पृथ्वी पर ही पुनर्जन्म मिल जाए। मैंने उसको पूछा उसकी कितनी जिंदगी और बची है यहाँ? उसने बताया कि उसे एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं पता। मैंने कहा अगर मैं तुमसे कहीं पर मिलना चाहूँ तो? उसने कहा उसको प्लेस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट मैं फ्रिक्वेंटली नहीं मिल सकती, एज मुझे कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, उनके साथ कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। अगर भूवर लोक में रहना है तो ये रूल्स फॉलो करना जरूरी है। हम उस जगह पर पहुंचे जहां उसकी डेथ हुई थी। उसने मुझे पूरा इंसिडेंट बताया। एक्सीडेंट की वजह से वो कार से बाहर गिर गई थी और उसका सर एक बड़े पत्थर पर लगा, जिसकी वजह से उसकी इंस्टेंट डेथ हो गई थी। हमने थोड़ी देर तक अपनी बातें चालू रखी। जो लोग मर जाते थे वो उनको समझाती थी, इस आफ्टर डेथ वाली जर्नी में उनकी हेल्प करती थी। मरने के बाद उसको ये काम दिया गया था करने को। उसने कहा कुछ समय बाद उसका जाने का टाइम आ जाएगा। मैंने उसको पूछा क्या तुम मुझसे फिर मिलोगी? उसने कहा कि मैं मिल सकती हूँ, बट आपको ध्यान रखना होगा कि आप एकदम अकेले हो एंड शाम का समय हो। ऑल्सो मुझे देखना होगा कि हम जल्दी जल्दी ना मिले। मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं लाऊंगा और मुझे अच्छा लगेगा जब भी तुम आ सको तो हम मिलें। मैंने कार स्टार्ट की और चला गया। यकीन नहीं कर सकता था मैं रत्ना से दूसरी बार मिला। समय बीतता गया और 1 साल तक मेरी और उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई। मेरे पापा रिटायर हो गए थे और हम एक घर ढूंढ रहे थे किसी शांत और सुंदर जगह पर। हमने एक अपार्टमेंट फाइनलाइज किया और बस उस डील पर साइन करने ही वाले थे। प्रॉपर्टी डीलर से डिस्कशन करने के बाद एंड बैंक में लोन की बात करने के बाद मैं बहुत थक गया था। मेरी आदत है कि डिनर के बाद मैं वॉक करता हूँ। एज मैं बहुत थका हुआ था तो मैं घर की छत पर ही चला गया वॉक करने के लिए। ऊपर कोई नहीं था, शांति थी। मैं वॉक कर रहा था, जैसे ही थर्ड राउंड के लिए मैं मुड़ा तभी देखा कि पीछे कोई खड़ा है एकदम कॉर्नर में। मैं सोच रहा था कि ये है कौन, क्योंकि दरवाज़ा जस्ट मेरे सामने था और मैंने किसी को आते नहीं देखा। जब मैं पास पहुंचा तो देखा ये और कोई नहीं रत्ना थी। इस बार वो मेरी छत पर आई थी। मैं उसको देखकर खुश था। इससे पहले मैं कुछ कह पाता उसने कहा उस नए अपार्टमेंट में मत जाओ, वो अच्छी जगह नहीं है, मैं तो आज सिर्फ ये बताने आई हूँ। मैं घबरा गया, आखिर उसने ऐसा क्यों बोला? वो तो कितनी अच्छी जगह है, मैंने प्रॉपर्टी डीलर से भी काफ़ी बार्गेनिंग की है, बैंक से लोन की बात भी हो गई है, इतनी मेहनत के बाद वो ये सब बोल रही थी। अब मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने पूछा आखिर क्यों?
रीजन तो बताओ, बट उसने कोई डिटेल्स नहीं दी। वो बस यही बोली कि ये ना तो मेरे लिए ना ही मेरी फैमिली के लिए अच्छा है। मैं उसकी आवाज़ में चिंता महसूस कर पा रहा था। उसी मोमेंट मैंने सोच लिया कि मैं ये डील कैंसिल कर दूंगा। मैंने उसको बोला, ठीक है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो उसने स्माइल की, फिर वो दूसरे कॉर्नर में गई और देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो गई। बाद में पता चला कि उस अपार्टमेंट में प्रीवियस ऑनर ने सुसाइड किया था एंड उससे पहले वहाँ एक मर्डर भी हुआ था। मे बी यही रीज़न था कि रत्ना हमें रोक रही थी। मैं इससे एक दो बार और मिला। मैंने पूछा, क्या मैं उसकी एक फ़ोटो ले सकता हूँ? बट उसने मना कर दिया। उसने मुझे पैरानॉर्मल वर्ल्ड की इतनी सारी बातें बताई, डिटेल्स दी कि डेथ के बाद क्या होता है। मुझे ये सब एक्साइट करता था। उसने पावर हाउस के बारे में भी बोला, जिसको हम गॉड कहते हैं। शादी होने से पहले मेरी वाइफ ने उसको एक बार देखा था, 10 सितंबर 2005, मुझे अच्छे से याद है, आखिरी बार जब हमने रत्ना को देखा था। उसने बताया था कि अब टाइम आ गया है उसका दूसरी लाइफ में जाने का और वो अब और नहीं मिल सकती। उसने हम दोनों को ब्लेसिंग दी और गायब हो गई, फिर कभी वापस नहीं आई। आज की डेट तक मैंने उसको नहीं देखा है। मैं आशा करता हूँ वो जहाँ भी है, जैसी भी है, खुश रहे। मैं अक्सर सोचता था कि हमारे बीच ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम दोनों ऐसे मिले और एक दूसरे से टकराते रहे। आई गेस मे बी कोई रिश्ता होगा हमारे बीच। आई थिंक गोस्ट हमेशा बुरे नहीं होते। तो गाइज, जिसने भी ये स्टोरी पूरी सुनी वो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि मैं सच में जानना चाहता हूँ आपके रिव्यू कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। एंड आई नो कि ये स्टोरी बाकी सारी स्टोरीज से बहुत ही डिफरेंट थी एंड पर्सनली मुझे ये स्टोरी सबसे ज़्यादा पसंद आई है अभी तक की। तो अगर आपको भी मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियोज़ को लाइक करना। एंड मेरा एक सेकेंड चैनल भी है, लेफ्टी सेज, जहाँ पर मैं आप लोगों की रियल हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। तो आप लोगों के पास अगर कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दे दूंगा, वहाँ जाके आप अपनी स्टोरी सबमिट कर सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।